हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो यू सी, यस्टरडे आई मेड अ वीडियो ऑन सप्लीमेंट्री एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स। ओके, नाउ एक्चुअली आई गॉट मेनी मैसेजेस फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑन माय इंस्टाग्राम एंड इवन ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो दैट देर विल बी सप्लीमेंट्री और इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। नाउ व्हाट आर सप्लीमेंट्री एग्जाम्स? से फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टूडेंट फेल्स इन टू सब्जेक्ट्स और मोर देन टू सब्जेक्ट्स, ही इज और शी इज कंसिडर्ड फेल, दैट स्टूडेंट इज कंसिडर्ड फेल, तो वह फेल हो जाता है। ठीक है, नाउ दैट स्टूडेंट कैन अपियर ओनली इन दोज फेल सब्जेक्ट्स। ओके, जो जितने भी वो सब्जेक्ट्स है, दो है, तीन है, टू और थ्री सब्जेक्ट्स, दे कैन अपियर ओनली इन दोज टू थ्री सब्जेक्ट्स दे हैड फेल इन दैट थ्रू दैट सप्लीमेंट्री एग्जाम्स। नाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेलिंग मी दैट सप्लीमेंट्री एग्जाम्स हैव फॉलन इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई मंथ में सप्लीमेंट्री एग्जाम जो है, इट हैज फॉलन। एंड वेदर दिस न्यूज इज ट्रू और फॉल्स और वेदर आई हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सप्लीमेंट्री एग्जाम्स और इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स, ओके, फॉर क्लास 10 एंड 12 इक्वली। नाउ लेट मी टेल यू दैट राइट नाउ आई एम सिटिंग विथ माई लैपटॉप हियर एंड आई चेक द एम्बोस नोटिस सेक्शन राइट नाउ ऑल्सो, बट लेट मी टेल यू, आई टोल्ड यस्टरडे ऑल्सो एंड इवन आई एम टेलिंग नाउ इन दिस वीडियो दैट आई हैव नॉट गॉट एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन एज सच दैट देर विल बी एनी सप्लीमेंट्री और इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स। Now let me tell you what is the method of supplementary exams, what is the procedure of supplementary or improvement exams, when can you give that exam, aap wo exam kab de sakte hain. Now EMBOSS do not have any such facility that, see, in the month of March your exam started, recently your results were declared, in the month of May your results were declared. One result was declared on 8th of May, science and commerce and vocational streams, and on 24th of May art stream and class 10 results were declared. Now just imagine, okay, just imagine, look at the calculation. If your results have been declared in the month of May, how can improvement exam be conducted in the month of July? It is not possible. Conducting improvement exams in the month of July means setting up of question papers, and EMBOSS will never give any such notification, let me tell you, with just a 2 months gap. आपके हाथ में सिर्फ एक 2 months also not, it's just 1 month gap. एक month जो है, जून month का gap, एक month gap लेके सिर्फ आपको ऐसा कोई notification नहीं दिया जाएगा. And this is not the process also. If, let me tell you then that how will you give the supplementary exams then? अगर आपको supplementary exam देना है तो आप कब देंगे? When you can give? You can give the supplementary exams under private only next year. आप नेक्स्ट ईयर ही दे सकते हैं जब फॉर्म फिलअप होगा. आई एम सॉरी, दिस ईयर देयर विल बी फॉर्म फिलअप पॉसिबली इन द मंथ ऑफ नवंबर डिसंबर. नवंबर डिसंबर में फिर से फॉर्म फिलअप होगा फॉर नेक्स्ट ईयर्स एग्जाम. ओके, ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन डू द फॉर्म फिलअप टू. आप उस टाइम पे आप खुद भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बट यू हैव टू राइट अंडर प्राइवेट, एज अ प्राइवेट कैंडिडेट. तो आप प्राइवेट कैंडिडेट के हिसाब से आप एग्जाम देंगे. तो व्हेन यू फिल अप योर फॉर्म, देयर आर टू कैटेगरीज, रेगुलर स्टूडेंट्स एंड प्राइवेट स्टूडेंट्स. ओके, सो यू विल हैव टू गिव, दोज हु हैव फेल्ड दे विल हैव टू गिव अंडर द एज प्राइवेट कैंडिडेट्स. और ये एग्जाम कब देना है आपको? व्हेन कैन यू गिव दैट एग्जाम? दिस एग्जाम यू कैन गिव नेक्स्ट ईयर अगेन विद एवरीबडी. जब सब लोग एग्जाम देंगे नेक्स्ट ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च, देन यू कैन ऑल्सो अपियर द एग्जाम. बट फॉर्म फिलअप विल बी डन in the month of November, December. So how will you get the information? The information, you can get the information directly from the EMBOSS website. Aap November se, middle of November, starting from the middle of November, start checking the EMBOSS website. And you have friends also studying in other institutions, you can tell them also that whenever you get, whenever you do form fill-ups, please inform me. And I'm also here whenever I get any information as such regarding form fill-up, exam form fill-up for next year's exam, I will definitely inform all of you through my channel, through Instagram. Okay, तो ये जो news है ये fake है. Fake in the sense, let me tell you, not fake exactly, but according to my understanding, this is possibly for the CBSE students, not for the EMBOSS students. ये possibly EMBOSS के लिए नहीं है, ये CBSE के लिए है. और मैं आपको एक और चीज बोल दूं, लेट मी टेल यू ऑल दिस थिंग्स. आई नो दैट यू गॉट पजल्ड कंफ्यूज्ड बिकॉज आई हैव ऑल्सो चेक्ड गूगल. ठीक है, मैंने भी गूगल चेक किया था और मैंने देखा कि जुलाई में सप्लीमेंट्री एग्जाम्स हैं. देर आर सप्लीमेंट्री एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ जुलाई. बट लेट मी टेल यू दैट ऑल दोस, इन ऑल दोस वेबसाइट, आई हैव स्टडीड 5-6 वेबसाइट्स, आई हैव गॉन थ्रू 5-6 वेबसाइट्स इन डिटेल. मैंने डिटेल में 5 से 6 वेबसाइट्स मैंने चेक किया है और हर जगह जो है दे हैव नॉट गिवन एनीथिंग इन डिटेल. उन्होंने लिखा कि इट कुड बी इन द मंथ ऑफ जुलाई. ओके, EMBOSS विल नोटिफाई यू थ्रू देयर वेबसाइट. हाउ डू दिस वेबसाइट्स नो?
सबसे पहली बात तो इन वेबसाइट्स को पता कैसे, इनका एम्बोस के साथ कोई कॉन्टैक्ट, कोई दूर दूर से रिलेशन ही नहीं है। दीज वेबसाइट्स डू नॉट हैव एनी रिलेशन विद द एम्बोस इन एनी वे, एंड द प्रोमिनेंट वेबसाइट्स हैव नॉट गिवन एनी सच नोटिफिकेशन। जो प्रोमिनेंट वेबसाइट्स है जैसे जागरण जोश है, जहाँ से अपना अपना रिजल्ट चेक किया था जागरण जोश, फिर ऐसे और सारे वेबसाइट्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे वेबसाइट्स है, दे आर वेरी गुड वेबसाइट्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल वेबसाइट्स, दे डू नॉट स्प्रेड एनी सच थिंग्स। ठीक है, तो मैंने जो जितने भी वेबसाइट्स देखे, ऑल दोज वेबसाइट्स दैट आई हैव सीन, अराउंड 5-6 वेबसाइट्स आई हैव सीन, एंड इन ऑल दोज वेबसाइट्स लेट मी टेल यू दैट द नोटिस दैट दे हैव गिवन, द इन्फॉर्मेशन दैट दे हैव गिवन इज हाफ, नॉट फुल ऑल्सो। ओके, कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं है, ये जस्ट स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स इन वेबसाइट्स को चेक करते हैं, उनको लगता है, आई नो दैट दो स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड, दे समहाउ वांट टू पास एग्जाम्स। ओके, तो उनके अंदर ये चीज़ है कि इफ़ आई कैन गिव माई एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ जुलाई देन माई वन ईयर विल बी सेव, मेरे एक साल जो है वो बच जाएगा, यू विल नॉट लूज वन ईयर, मुझे पता है। बट देन द सिस्टम ऑफ एम्बोस इज नॉट लाइक दैट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, लेट मी रिपीट वन सेकेंड, दैट फॉर्म फिलअप विल बी डन इन द मंथ ऑफ नवंबर डिसंबर समवेयर। ओके, एंड यू कैन डू द फॉर्म फिलअप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, और नेक्स्ट ईयर जो है व्हेन एवरीबडी विल गिव एग्जाम, रेगुलर कैंडिडेट्स ऑल्सो, प्राइवेट कैंडिडेट्स ऑल्सो, जब सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे नेक्स्ट ईयर मार्च में, तो आप भी उनके साथ एग्जाम दे सकते हैं, और आप इन तीन पेपर्स के ऊपर ही एग्जाम दे सकते हैं। यू कैन अपेयर ऑन दिस थ्री पेपर्स, टू पेपर्स, मतलब जितना भी सब्जेक्ट आपने फेल किया है, दो सब्जेक्ट दैट यू हैव फेल्ड, यू कैन अपेयर दोज फेल सब्जेक्ट्स ओनली, ऑन दोज फेल सब्जेक्ट्स ओनली, नो नीड टू गिव एनी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स, एंड दोज सब्जेक्ट्स यू हैव पास। नाउ आई नो स्टूडेंट्स विल आस्क मी दिस थिंग, आई एम टेलिंग इन एडवांस ओनली, स्टूडेंट्स में आस्क मी वन थिंग दैट सर द सब्जेक्ट दैट आई हैव पास्ड इन दिस ईयर एग्जाम व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ द मार्क्स, तो उसका मार्क्स क्या सेम रहे, येस इट विल रिमेन सेम ओनली, दोज मार्क्स विल बी अनटच्ड, उन मार्क्स को छुआ नहीं जाएगा, वो अनटच्ड ही रहेगा। जैसे इंग्लिश में आपने 45 स्कोर किया, यू पास्ड, से हिस्ट्री में आपने 61 स्कोर किया, यू पास्ड। ओके, सो दोज मार्क्स 45 एंड 61 विल बी सेम ओनली, दोज सब्जेक्ट्स यू फेल, इफ यू पास इन दोज सब्जेक्ट्स नेक्स्ट ईयर, देन द अपडेटेड मार्क्स अलोंग विथ योर ओल्ड मार्क्स विल बी एडेड टुगेदर एंड देन द फाइनल रिजल्ट विल कम नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो पुराने मार्क्स जो सब्जेक्ट्स है, पुराने जो सब्जेक्ट्स है, जिन सब्जेक्ट्स में आपने पास किया है, दो सब्जेक्ट देर यू ऑलरेडी पास्ड, दोज मार्क्स विल नॉट बी टच्ड बाई एम्बोस अंटिल यू डिसाइड टू अपियर इन दो सब्जेक्ट्स। ओके, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैं सारे सब्जेक्ट्स ही दूंगा नेक्स्ट ईयर, दोज पास्ड सब्जेक्ट्स ऑल्सो एंड द फेल सब्जेक्ट्स ऑल्सो, देन इट इज अ डिफरेंट थिंग, वो अलग बात है फिर। लेकिन आप अगर अपने पास सब्जेक्ट्स अगर आप नहीं देते, सिर्फ फेल सब्जेक्ट्स ही आप अपेयर करते, तो योर पास्ट लास्ट ईयर्स पास्ट दिस ईयर्स पास्ट सब्जेक्ट्स विल नॉट बी टच्ड, उनको कुछ नहीं किया जाएगा, वो एज इट इज ही रहेगा। आपका फेल सब्जेक्ट्स अगर आप इम्प्रूव करते हैं, मार्क्स अगर बढ़ता है, तो वो पुराने सब्जेक्ट्स के साथ वो ऐड हो जाएगा और टोटल में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस न्यूज आर फेक। वंस अगेन मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग मी, सम टू सम स्टूडेंट्स आई डिड नॉट इवन रिस्पॉन्ड बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर अबाउट इट, सो आई केप्ट ऑन चेकिंग द वेबसाइट्स फॉर द लास्ट 3-4 डेज एंड देर इज नो सच न्यूज। ठीक है, नाउ द सेकेंड इन्फॉर्मेशन इज फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स। ओके, द इन्फॉर्मेशन इज दैट इन क्लास 11 नाउ NCERT बुक्स विल बी फॉलोड, सो योर बुक्स हैव चेंज्ड। ओके, आई हैव द लिस्ट विथ मी हियर, इंग्लिश and additional English. I am not sure which one will be the additional English. I think one will be additional English here. Anyways, I'll give you the name of the book. I'll provide you this notification link in the description box also. मैं description box में इसका notification link दे दूंगा, आप जाके download कर सकते हैं, और you can watch this screen also. ये screen आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं screenshot डाल के आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये list of books है, तो मैं एक बार पढ़ लूँ सिर्फ। For English core you have Hornbill, for English supplementary core you have Snapshot, the name of the book is Snapshot, English core name of the book is Hornbill, and English elective you have Woven Words, okay, Woven Words,
ओके okay? और बाकी सारी यहाँ पे है सोशियोलॉजी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी सारे आप देख लीजिए, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. सो ऑल द बुक्स हैव नॉट चेंज्ड. ओके, सारे बुक्स चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ ही बुक्स चेंज हुआ है. नॉट ऑल द बुक्स हैव चेंज्ड. ओके, तो ये कुछ ही बुक्स है, फ्यू बुक्स हैव चेंज्ड, जस्ट लाइक क्लास 10. क्लास 10 में क्या हुआ है, इंग्लिश बुक हैज चेंज्ड, मैथ्स बुक हैज चेंज्ड एंड साइंस बुक हैज चेंज्ड. व्हाट हैज नॉट चेंज्ड, हेल्थ एजुकेशन SST has not changed, additional English has not changed. Okay, तो यहाँ पे कुछ ही books है जो शायद change हुआ है. Not all the books have changed for class 11 for the year 2024-25. Class 12 books are same like last year only. Last year के जैसा class 12 books same है, उसमें कोई changes नहीं है. There are no changes in the class 12 books. Only class 11 books have changed. And it is written here, recommended NCERT textbooks, Meghalaya edition for class 11 for the year 2024-25. So this is the list of the books, and I will provide you the download link. And as I told you that you can watch the screenshot also on the screen. I think you have watched already. Okay, so these are the two informations. And with that, I would like to end the video. Thank you so much for watching the video. And please subscribe, like and share my videos. With love from OmniGyan, and all the best to all of you. Thank you so much.